सो गार्सिया पिमेंता द बार्सा बी कोच वॉज सैग यस्टरडे। अब बहुत ही बड़ा सरप्राइज है ये दैट कम्स टू द बार्सिलोना फैंस, बिकॉज कुछ दिनों पहले तक गार्सिया पिमेंता वॉज टाउटेड टू बी द मैनेजर ऑफ द बार्सिलोना टीम, द फर्स्ट टीम। हम सब कह रहे थे यार कि गार्सिया पिमेंता ने काफ़ी अच्छा काम किया है बार्सा बी पे एंड उसे मौका मिलना चाहिए टू मैनेज बार्सिलोना की फर्स्ट टीम। एंड उसने भी अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि येस आई फील आई एम रेडी टू टेक द फर्स्ट टीम। एंड नाउ 10 दिन बाद 15 दिन बाद उसको सैक कर दिया गया। आई मीन इट वॉज अ शॉकर, इट लिटरली वॉज अ शॉकर। बट गाइज यहाँ पे एक बात है कि लपोटा इज प्लानिंग समथिंग, एंड ये जो डिसीजन लिया गया है दिस वुड रियली मीन कि इसके पीछे कोई ना कोई रीजन रहा होगा गाइज। तो इस वीडियो में हम वो 3 या 4 रीजन देखेंगे जिसकी वजह से गार्सिया पीमी को सैक किया गया। बट बिफोर वी बिगिन लेट मी टेल यू दैट वी आर थैंकफुल टू वन फुटबॉल एप्लीकेशन फॉर कंटिन्यूइंग देयर स्पॉन्सरशिप ऑन आवर चैनल। इफ यू डोंट नो, वन फुटबॉल इज अ ग्रेट फुटबॉलिंग ऐप टू हैव ऑन योर फोन। Euros have started, so you'll have all the latest information regarding Euros on your mobile phone. You'll get all the data of the match days, the lineup, the tactics, the articles to read, even the transfer details of the players and everything over there. So you can download this application from the link in my description. In that way, it will help me as well. So thank you guys. And video mein aage badhte hain. Let's take a look ki kyun sack kiya Garcia Pimenta ko. To sabse pehli baat hai, Garcia Pimenta was doing a terrific job at the Barca bhi. ठीक है, इस season He literally made them qualify for the Segunda division. हम सोच रहे थे कि अगर यहाँ पे qualify कर जाएगी बार्सा बी, then it would mean a lot for the youngsters because they have been playing. सिर्फ छोटे छोटे बच्चे यार 20, 22, 23 साल के लड़के हैं, they will play in the Segunda division with top players जो कि already experienced है. But last playoffs वाले games में they lost and they couldn't qualify. And मेरे हिसाब से this is one of the reasons जिसकी वजह से Laporta planned that sack. And एक बार अगर हम पीबी के success के बारे में बात करें, तो ही हैज ट्रेन्ड प्लेयर्स लाइक मेसी, फाती, पूज, मुरीबा, रोहो, मिंगेजा, इतने हाई क्लास लेवल के प्लेयर्स को उसने ट्रेन किया है। एंड ही हैज वन, सबसे बड़ा अचीवमेंट जो उसका था, द यूएफए यूथ लीग अंडर 19 टीम को उसने लास्ट टाइम जिताया था 2019 में। तो ही वॉज ऑन सच अ फैंटास्टिक रन ऑफ फॉर्म एंड उसकी टीम अभी तो प्यारा खेलना स्टार्ट की थी। एंड हिज टैक्टिक्स, हिज स्टाइल ऑफ प्ले इज लाइक दैट क्रूफियन स्टाइल ऑफ प्ले, लिटरली जो बार्सा डीएनए होता है ना, गार्सिया पिमेंता यहाँ पे उसको बार्सा बी पे इंप्लीमेंट करता है। बट लपोर्टा के दिमाग में, मैटियो अलमानी के दिमाग में क्या था दैट मेड हिम सैक। एंड हमने कुछ दिन पहले सुना था कि लपोर्टा ने बात बोली है कि देयर इज नो ट्रांजिशनल ईयर एट एफसी बार्सिलोना, मतलब हमें रिजल्ट चाहिए, हमें सक्सेस चाहिए, हमें टीम बिल्ड करनी है तुरंत। ट्रांजिशन वो क्या होता है हमें नहीं पता। एंड एक बात थी कि ये बार्सा बी जो टीम है, दे आर स्टक इन द थर्ड डिवीजन फॉर अ लॉन्ग टाइम। बहुत टाइम से दे आर ट्राइंग टू क्वालिफाई फॉर द सेकंडर डिवीजन बट नहीं हो पा रहे हैं। गार्सिया पिमेंता हैज फेल्ड टू मेक दिस टीम अ कॉम्पिटिटिव टीम। ये सब आ रहा है लपोर्टा की नजरों से, मे बी अलमानी की नजरों से एंड उस तरीके की नजरों से। ठीक है, अब ये हम नहीं कह रहे हम सैटिस्फाइड है, बट क्या बार्सा बी सेकंडर डिवीजन में नहीं खेलेगी तो बहुत बड़ा लॉस होगा। अकॉर्डिंग टू लपोर्टा इट इज़ अ बिग लॉस अगर नहीं खेलेगी, बिकॉज फाइनेंशियल भी यहाँ पे एक रीजन है। बिकॉज अगर देखो तो गार्सिया पिमेंटा की सैलरी जो हमारा बजट है फॉर बार्सा बी, इट इज़ अराउंड सेम फॉर सेकंडर डिवीजन टीम्स। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो रहा है। अब वो पता नहीं खर्चा जा कहाँ रहा है, बट स्टिल एक फाइनेंशियल इशू भी था दैट ही फेल टू क्वालिफाई फॉर सेकंडर डिवीजन। एंड वो थर्ड डिवीजन में रह के वो उतनी सैलरी लेगा, उतना बजट जाएगा बार्सा बी के लिए, तो ये रीजन की वजह से भी उसको सैक किया गया। एक जो सबसे बड़ा रीजन है दैट इज द रीमॉडलिंग ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉर्मेट ऑफ द होल क्लब राइट फ्रॉम द ग्रास रूट, राइट फ्रॉम द फाउंडेशन। तो ला मासिया से लेके बार्सा बी से लेके सब कुछ रीमॉडल होगा। हर एक फेज को हम लोग चेंज करेंगे एंड डेफिनेटली चेंज शुड कम। ऑल दो पिमेंता 19 साल से यहाँ पे बार्सा को कोच कर रहा है, फ्रॉम ला मासिया अंडर 18, अंडर 16 एंड देन तो बार्सा बी को कोच किया उसने। ही वॉज अ लेजेंड एट दिस क्लब यार, बहुत बड़ा फिगर था वो यहाँ पे एफसी बार्सिलोना के लिए। हम इतना उसको पसंद करते थे दैट वी वांटेड हिम टू ज्वाइन द फर्स्ट टीम, उसको मैनेज करे। वी वर रेडी टू गिव, आई वाज रेडी टू गिव हिम दैट ट्रस्ट। बट अभी द सैक केम एंड ये सैक है, इट्स नॉट अबाउट द टैक्टिक्स, इट्स नॉट अबाउट कि वो अच्छा नहीं खेला था टीम को, इट्स नॉट अबाउट कि वो टीम को कुछ डेवलप नहीं कर पाता। इट वॉज मोर अबाउट द अदर टेक्निकल फैक्टर्स, जैसे कि फाइनेंस था, रिमॉडलिंग था। अब मे भी कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे जहाँ पे लपोर्टा सजेस्ट कर रहा होगा एंड दे माइट नॉट हैव अग्रीड। बट जहाँ तक बात है गाइज, रिमॉडलिंग हो रही है ला मासिया की, काफ़ी स्ट्रक्चरल चेंज आ रहे हैं, बहुत ही प्रॉपरली लपोर्टा हर एक प्लान को ईट बाई ईट रख के
फाउंडेशन बनाई जा रही है। तो ठीक है, बी इट अ शॉक दैट गार्सिया पिमेंटा इज सैक्ड, आई डू बिलीव कि अच्छे दिन आने वाले हैं। हमारा जो नेक्स्ट बंदा है सर्जी बार्जुआन, ठीक है, अ फ्रेंड ऑफ लपोटा, काफी ट्रस्टेड फिगर है, स्टाफ मेंबर ऑलरेडी यहाँ पे लपोटा के बोर्ड में था ये। 4 साल इसने बार्सा पे खेला है एक लेफ्ट बैक की तरह से, एंड देन ऑल्सो हैज प्लेड फॉर एथलेटिको मैड्रिड। कोचिंग के मामले में इसको ज्यादा सक्सेस नहीं मिली, चाइनीज लीग में इसने कोचिंग किया, मयोका पे कोच किया, इट हैजंट गॉट सो मच सक्सेस ओवर देयर, बट ही नोज बार्सिलोना, ही नोज देम इनसाइड आउट। वो हो सकता है लपोटा के प्लान्स में बहुत ही अग्री करे, जितने भी हम यहाँ पे सिस्टम्स एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस ला रहे हैं उन सब का एक क्रूशियल फिगर यहाँ पे हो सर्जी बार्जुआन, एंड काफी वैल्यूएबल मेंबर ये है, काफी सालों से बार्सा के साथ जुड़ा हुआ है, एंड ही इज आल्सो वेरी गुड फ्रेंड ऑफ पिमेंटा, उसको काफी अच्छे से जानता है। तो आई डू बिलीव कि ये स्टाइल में चेंजेस कुछ नहीं लाएगा, वी विल प्ले द सेम अटैकिंग फुटबॉल दैट वी हैव बीन प्लेइंग, बट यहाँ पे टीम को और इंप्रूव किया जाएगा, मे बी कुछ और प्रॉपर हम साइनिंग्स करेंगे। अभी एक प्लेयर है जिसको बार्सा बी ने साइन किया है, कोई स्ट्राइकर है, उसका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा, लेट मी नो द कमेंट अगर आपको अभी याद होगा तो। एंड हो सकता है दिस वुड मीन सम गुड थिंग्स कमिंग टू बार्सिलोना फाइनली, ठीक है। हम सब होप कर रहे थे यार कि पिमेंटा रहेगा, ही वोंट बी सैक, बट यार यहाँ पे सैक आया तो वी आर नॉट फीलिंग गुड, बट वी होप कि ये अगर सैक आया है इट वुड मीन समथिंग गुड, वी होप दैट इट वुड मीन समथिंग गुड फॉर द होल बेटरमेंट ऑफ दिस क्लब। सो गाइस आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस, सही डिसीजन था, गलत डिसीजन था? आपको इस बंदे के बारे में, सर्जी बार्जुआन के बारे में कुछ पता होगा तो लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो, एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू गाइस वेरी सून, अंटिल देन एज ऑलवेज पीस आउट।